इस कदर देश बर्बाद हो गया है इनकी सरकार में कि अब तो जनता देख रही है कि कब ऐसा टाइम आवे इन्हें हटाएं, क्योंकि किसान को आपको पता है किसान को कितने दिन हो गए यहाँ पर पड़े हुए। किसान को 8 से 9 महीने यहाँ पड़े हुए हो गए, गर्मी में सर्दी में बेचारे अपना घर छोड़े पड़े हैं, उनके बच्चों की फीस गई है या नहीं गई है, उनकी बेटी की शादी हुई है या नहीं हुई है, इनको कोई मतलब नहीं, इनको अपनी जेब भरने से मतलब है। आप देख लीजिए जाकर से इन्होंने अपना जो संसद है वो कितना फर्स्ट क्लास बनाया है। आंटी जी ये बातें जो आप बता रहे हैं सब भूल जाते हैं ना लोग 2 महीने में 3 महीने में, कोई नहीं भूलेगा भैया। देखिए कितनी नौकरी निकाली है इन्होंने, कितनी और एक काम हो रहा है इनका, ये जनता को लड़ाना चाहते हैं और लड़ा के और अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। अभी देखिए ये कह रहे हैं धर्म परिवर्तन हो रहा है, धर्म परिवर्तन जब इतने दिन से सरकार इनकी चल रही जब क्यों नहीं हुआ, अभी क्यों हो रहा है? अब पता है चुनाव आ रहा है, ठीक है ना। तो इसकी काट क्या है आपके पास? काट तो पूरा है, पूरी गांव में ये नहीं जा सकते, गांव में जाएंगे तो भाई इन पर जूते पड़ेंगे, ठीक है, गांव में वोट नहीं मिलेंगी। शहर का जो नौजवान है पढ़ा लिखा वो भी जान चुका है, जो अनपढ़ है वो भी जान चुका है। इसमें खाली किसानों का ही नुकसान नहीं है, जो गरीब तख्ता है, जो रिक्शे वाले हैं, जो ठेली वाले हैं, उनका सबका नुकसान है। सभी इस टाइम परेशान है, यहाँ तक कि लोगों के लिए खाने के लिए अनाज भी नहीं है, खाली दाने दे देते हैं गेहूं के, इनसे गुजारा थोड़ी होता है। आप तो समाजवादी पार्टी से, तो आप तो कह रही हैं जूते पर लोग तो अपना रहे हैं। मैं खाली समाजवादी पार्टी से ही नहीं हूँ, मैं महिला आयोग की सदस्य रही हूँ, मैंने 5 साल महिला आयोग चलाया है, मुझे पता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दिए थे, कहाँ बेटियाँ बच रही हैं बताइए। इस हमारा लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र में हमारे जो हिंदू धर्म में कहाँ 2 बजे अपनी जो बेटियों की हत्या होती है उनको कहाँ 2 बजे जलाया जाता है, कहाँ दफनाया जाता है, इन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी। कहाँ बेटियों को बचाया है इन्होंने, कहाँ बेटियों को पढ़ाया है? क्या मोदी जी किसी बात पर खड़े उतरे हैं, योगी जी किसी बात पर खड़े उतरे हैं? सब फेल हो चुके, पूरी पूरा तंत्र इनका फेल हो चुका है। अब तो जनता देख रही है कि कब चुनाव का समय है। और ये 3 जो काले कानून है किसानों के, इनको वापिस नहीं लेंगे तो घर वापिस किसान नहीं जाएंगे। किसानों की जो रगों में खून है वो मजबूत मार्शल खून कहते हैं, जो वो मार्शल खून है। सरकार भी मजबूत लग रही है, वो भी मार्शल लग रही है भाई, वापस नहीं होंगे, ये ना बदलेंगे कोई और बदल देगा। भाई जब तक सरकार ये है जब तक तो ना बदलेंगे, सरकार तो जनता बदलेगी ना, जब जनता चुनाव दे करेगी तो फिर बदलेगी सरकार। किसानों ने कहा था कि हम जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी के नुमाइंदे गांव में नहीं जा पाएंगे, उनको हम घुसने नहीं देंगे, लेकिन वो गांव में भी गए, वोट मांगा और वो चुनाव भी जीते और वो जिला पंचायत अध्यक्ष सबसे ज्यादा बन गए। बात सुनो, मेरी बात सुनो, आप सबको पता है कैसे जीते हैं, जो जनता का चुनाव था उसे तो हार गए, पब्लिक ने जो वोट दी उसे तो हरा दिया, नकार दिया पब्लिक ने। ये तो जो अब ये जीते हैं, जो अध्यक्ष बने हैं, सब जानते हो आप लोग भी, आपको भी पता है, ये किसी के कान पर जो है पिस्टल रख दी, तो आपने ही किसी को किसने सिखाया है, किस क्या सिखाया हमने? सरकार में 65 बने थे, सपा सरकार भूल गए, सपा सरकार में इस तरह लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी जैसे आपका लोकतंत्र की हत्या हुई है। और सुन क्या, और सुनिए, किसी को जो किसी की जमीन जब्त कर देगी, महिलाओं पे लाठीचार्ज, सपा सरकार में महिलाओं पे लाठीचार्ज नहीं हुई थी, आप ये सोचिए। अन्ना सपा सर, पहली बात तो मैं सपा सरकार की तरफ से बोल नहीं रही हूँ, किसानों की तरफ से बोल रही हूँ, आप किसान के मुद्दे पर बात कर रही हूँ। हमें तो दूसरों ने सिखाया वही कर रहे हैं। देखिए तुमने ये बीजेपी वाले कुछ भी कहे लेकिन हम जो बता रहे हैं उसे सुनिए, आपको भी पता है लोकतंत्र की हत्या। कभी आज तक मेरी उम्र 60 साल है, 60 साल में मैंने ऐसा नहीं देखा कि गन पॉइंट पर वोट डलवाई हो, किसी के जमीन जब्त करने के कह दियो, किसी के बेटे पे गन रख दी हो और ये कहीं कहा गया हो कि वोट यहाँ नहीं डालोगे तो मार देंगे। एक आखिरी सवाल, हम महिला आयोग की सदस्य रही, हाँ, महिला आयोग जो था एक स्वतंत्र आयोग कमीशन बनाया गया, इसमें दबाव बनाया जाता है आपको, सिस्टम के अंदर रही है लोग दबाव? सुनिए मेरी बात सुनिए, अगर मेरे बेटे के कान पर गन पॉइंट रखी जाएगी या पिस्टल रखी जाएगी तो क्या मेरे माँ का दर्द नहीं जागेगा? हूँ तो महिला ही, या मेरे पति के कान पर पिस्टल रखी तो जाएगी? बनाया जाता है, दबाव बनाया है इन्होंने, सब नहीं बनाते हैं इन लोगों ने। भाई मैं तो देखो सीधा कह रही हूँ, मुझे कोई डर नहीं, इतनी लोकतंत्र की हत्या इस सरकार में हुई है किसी में नहीं हुई,
अन्ना आगे होगी। जनता को पता है, किसानों को पता है, गरीब को पता है, महिलाओं को पता है, आम जनता को पता है। जो बीजेपी राजनीति करती है उसकी काट क्या आपके पास? हमारे पास तो काट भैया बन गई। हमने तो लोक पंचायत में जो चुनाव ये जो हुआ है जिला पंचायत का जो चुनाव हुआ है इसमें आपको पता ही है जनता ने इनको नकार दिया, जनता ने वोट ही नहीं दिया। हमारी समाजवादी पार्टी की बहुत ज़्यादा सीटें आई, इनके यहाँ दो जीते थे, कैसे जीत गए? हमारे सात थे भैया, छः थे और इनका दो थे, ये कैसे जीत गए? मैडम कहीं का ले लो आप। जांच शुरू हो गई है, ईडी के छापे पड़ रहे हैं, सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, क्या कसम किया था आप इस सरकार ने भी? कोई डकैती नहीं घेरी है, ये खूब छापे गिरवा लें, खूब कुछ भी करवा लें, हम डरने वाले हैं नहीं, हम बिल्कुल डटे पड़े हैं, किसान हमारे डटे पड़े हैं। किसानों के जो मुंह से निवाला इन्होंने तीन कानून बना के छीन लिया है, वो किसान डटे पड़े हैं और जब तक वो तीन काले कानून ये वापस नहीं लेंगे कोई जाएगा नहीं। और रही जहां तक आप कह रहे हैं भूखे मर जाएंगे, कोई भूखा नहीं मरेगा। हमारी महिलाएं फावड़ा, महिलाओं ने फावड़े उठा रखे हैं, महिला पानी बलाती है, महिलाएँ फावड़े चलाती हैं, महिलाएँ खेती कर रही हैं, महिलाएँ ट्रैक्टर चला रही हैं। हमारे पति यहाँ पर हैं, हमारे बेटे यहाँ पर हैं, हमारे भाई यहाँ पर हैं, हमारे पिता यहाँ पर हैं। ऐसा नहीं कि भूखे मर जाएंगे, महिलाओं ने किसानी संभाल रखी है, कोई भूखा नहीं मरेगा, हमारा चल रहा है। लेकिन उखाड़ के इस सरकार को तब सांस लेंगे ये किसान, ये शपथ ले रखी है। जो योगी सरकार एक कानून लेकर के आ रही है दो बच्चों वाला, ये कितना कारगर होगा भाजपा के लिए? और उसके पहले वो लव जिहाद वाला कानून लेकर आ गई थी योगी सरकार। अब भाई उनकी सरकार चल रही है, गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो कुछ भी करें हमें इस चीज़ से क्या मतलब है? हमें तो सरकार को उखाड़ना बस, हमें तो ये पता है। जनसंख्या नियंत्रण कानून आ रहा, आप उसका समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे, क्यों समर्थन करेंगे भाई, क्यों समर्थन करेंगे बताओ? हैं, किसी के बेचारे के दो बच्चे हैं तो कोई ज्यादा थोड़े ही है, ठीक है दो, दो। लेकिन जो बीजेपी के सांसद हैं साक्षी महाराज और नुमाइंदे हैं वो तो कहते हैं कि छह छह बच्चा पैदा करिए, उनकी खुद की शादी नहीं हुई है। अब इस बात में मैं क्या कह सकती हूँ बताइए, मैं कोई ट्रिप नहीं करती नहीं, क्या आपस में? मैं इसमें कोई ट्रिप नहीं करूँगी, उनका अपना वो है भाई, क्या एक बात है उनकी पार्टी में। बीजेपी के जो नेता कुछ दूसरी तरफ के कहते हैं, योगी जी कुछ और कहते हैं सरकार में लेकर, ऐसा है उनके तो अंदर खाने ही फूट पड़ी हुई है, आपको भी पता है, पत्रकार भाइयों सब पता है आपको, आप सब जानते हैं कि किस तरह ये जीते हैं चुनाव, ये किस तरह अध्यक्ष बने, आपको नहीं पता? सबको पता। अरे पता तो बस, तो आप क्यों पूछ रहे हो? ये तो जबरदस्ती के छीने इन्होंने अध्यक्ष, अब पता लग जाएगी चुनाव में 2022 के जो चुनाव है हमारा 2022 का, इसमें आपको पता लग जाएगी। लेकिन योगी सरकार में योगी मतलब उत्तर प्रदेश को नंबर वन का खिताब मिला है, नंबर वन का किताब मिला स्मार्ट सिटी। अब भाई देखो दे दिया होगा योगी मिला चलिए दे दिया होगा, अब हर तरह के लोग हैं दे दिया होगा।